हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास सेंट्रल डिफेंस एंट्रपोलिशन, केंद्रीय, अब सेंट्रल डिफेंस एंट्रपोलिशन में हम क्या पढ़ेंगे, पहले सेंट्रल डिफेंस ऑपरेटर एंड रिलेशंस। सेंट्रल डिफेंस ऑपरेटर फ्रेंड्स क्या होता है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसको सेंट्रल डिफेंस ऑपरेटर को हम डेल से शो करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर डेल लिख सकते हैं। तो सेंट्रल डिफरेंट ऑपरेटर ये होता है डेल, अगर इस पर हमने एफ एक्स पर अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1/2 h माइनस एफ एक्स माइनस 1/2 h। ये फिर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से हम लिख सकते हैं e की पावर, इसको अगर इसको लिखना चाहें तो e 1/2 एफ एक्स। यहाँ ई क्या है, ई अपने पास यहाँ पर ई ऑपरेटर होता है, वो ई अपने पास अगली टर्म को शो करता है। जैसे ई की पावर 1/2 h है, तो इसका इसका मतलब जो ई फंक्शन होगा वो एफ एक्स प्लस 1/2 h, एफ एक्स प्लस 1/2 h हो जाएगा। इसी तरह माइनस यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस 1/2 एफ एक्स, अगर 1/2 कॉम एफ एक्स कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा ई 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब कह सकते हैं हम डेल इक्वल टू जो होता है वो होता है ई 1/2 माइनस ऑपरेटर ई माइनस 1/2, ये होता है। अब फ्रेंड्स डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालते हैं, सेकंड जो डिफरेंस होता है वो निकालते हैं, सेकंड ऑपरेटर ये निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेल एफ एक्स ये निकालना होगा। तो डेल एफ एक्स क्या है अपने पास फ्रेंड्स, डेल एफ एक्स ये है अपने पास, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ एफ एक्स प्लस 1/2 h माइनस एफ एक्स माइनस 1/2 h, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हमने इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका हमें डिफरेंस निकालना है, इसको अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें पहले क्या 1/2 h जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस h माइनस एफ, इसमें 1/2 h जुड़ेगा तो ये एक्स ही रह जाएगा। अब 1/2 h माइनस होगा, माइनस का साइन लग के ये माइनस होंगे तो ये हो जाएगा एफ, ये तो एक्स रह जाएगा क्योंकि माइनस 1/2 h हो रहा है, और ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस h। या फिर इसको लिख सकते हैं हम ई ऑफ एफ एक्स माइनस यहाँ पे 2 और एफ एक्स प्लस ई इनवर्स एफ एक्स, या इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स ई माइनस 2 प्लस ई इनवर्स एफ एक्स, ये शो कर सकते हैं फ्रेंड्स इसको। या इसको आगे हम लिखे तो ई माइनस ई सॉरी ई की पर 1/2 माइनस ई 1/2 का होल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको हम खोल के हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ई का इसका स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 ई 1/2 ई की पावर माइनस 1/2, तो ई की पावर 0 हो जाएगा तो 2 ही रह जाएगा, प्लस ई इनवर्स का होल ई की पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ई की पावर माइनस 1 रह जाएगा, ये हो गया फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह हम डेल एन निकालें, डेल एन एफ एक्स निकालें, तो उसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, डेल एन माइनस 1 एफ एक्स प्लस एच 2 माइनस डेल एन माइनस 1 एफ एक्स माइनस एच 2, ये लिखा है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आर बराबर 0 to infinity, सॉरी आर बराबर 0 to n माइनस 1 की पावर आर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एफ एक्स प्लस एन एच 2 माइनस आर एच, ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पहले हम टेबल बनाते हैं, सेंट्रल डिफरेंस टेबल की जो क्या होती है वो बनाते हैं। अब फिर सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स की कुछ वैल्यूज होंगी, वाई एक्स की कुछ वैल्यूज होंगी, जैसे एक्स की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चल रही होंगी,
यहाँ से -2 होगा, फिर -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और डॉट डॉट चलती हुई जाएंगी कुछ वैल्यूज। तो इस पे हमारे वैल्यू लेते हैं, वाई -2 ले लेते हैं, इसको वाई -1 ले लेते हैं, वाई 0 ले लेते हैं, वाई 1 ले लेते हैं, वाई 2 ले लेते हैं। अब ये सेंटर में क्या है फ्रेंड, सेंटर में जो होगा वो हमारे पास 0 होगा, तो सेंटर में वाई 0 हो गया। अब हमारे पास डेल निकालना है, इसके लिए फर्स्ट डेल निकालते हैं। तो डेल ये क्या हो जाएगा, डेल वाई -3/2 हो जाएगा, डेल वाई जो हो जाएगा इन दोनों के बीच का, तो -1/2, डेल वाई 1/2, डेल वाई 3/2, और या डेल यहाँ पे डेल वाई। अब इस तरह डेल स्क्वायर वाई निकालते हैं, डेल स्क्वायर निकालते हैं, तो फिर डेल स्क्वायर वाई हो जाएगा अपने पास, डेल स्क्वायर वाई -1, डेल स्क्वायर वाई यहाँ पे निकालते हैं, डेल स्क्वायर वाई 0, डेल स्क्वायर वाई 1। अब यहाँ पे डेल क्यू निकालते हैं, डेल क्यू तो वो जाएगा हमारे पास डेल क्यू वाई -1/2 इन दोनों के बीच का, इधर डेल क्यू वाई 1/2, और डेल 4 निकालते हैं फ्रेंड्स, तो वो जाएगा अपने पास डेल 4y0, ये हो जाएगा। और हमें डेल कैसे निकाला, डेल के लिए हमारे पास सिंपली वही फॉर्मूले होते हैं, डेल बराबर ई की पावर 1/2 माइनस ई -1/2, ये होता है। अब डेल स्क्वायर बराबर जो निकालते हैं उसके लिए डेल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देने, जो हमने डेल का जो फॉर्मूला पढ़ा था ये फॉर्मूला डेल का होता है फ्रेंड्स, जो किसी एन के लिए एन बराबर जो भी वैल्यू होगी वो हमें इसमें पुट कर लेनी है, और जो वैल्यू आ जाए वो हमारे पास रख देंगे। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं एवरेज ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर क्या होता है, एवरेज ऑपरेटर को हम न्यू से शो करते हैं, न्यू इक्वल टू होता है हमारे पास 1/2 एफ एक्स प्लस एच वाई टू माई प्लस एफ एक्स माइनस एच वाई टू, ये होता है हमारे पास। या इसको हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, न्यू एफ एक्स इक्वल टू होता है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 ऑफ एफ एक्स, ये शो कर सकते हैं हम, म्यू एफ एक्स है फ्रेंड्स ये म्यू एफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू बराबर हो जाएगा 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2, ये होता है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एवरेज ऑपरेटर होता है। अब एक और ऑपरेटर आता है, थर्ड ऑपरेटर जो होता है वो होता है हमारे पास सेंट्रल सम ऑपरेटर, सेंट्रल सम ऑपरेटर। सेंट्रल सम ऑपरेटर क्या होता है फ्रेंड्स, सेंट्रल सम ऑपरेटर ऑपरेटर होता है एफ एक्स इक्वल टू, ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें सिग्मा एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई टू, अर्थात ऐसा कोई ऑपरेटर जिसमें सिग्मा एंड डेल इक्वल टू 1 हो, सिग्मा एंड डेल इक्वल टू 1 होता है फ्रेंड्स। ये जो ऑपरेटर होता है सिग्मा, इसको हम ये सिग्मा ऑपरेटर इसको हम सेंट्रल डिफरेंट ऑपरेटर कहते हैं फ्रेंड्स। अब हम कुछ रिलेशन पढ़ते हैं इनके बीच में, अब फ्रेंड्स हम ये पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर ई डेल सॉरी ई नेबला डेल डेल, ये दो ये ऑपरेटर जो अपने पास है, ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर वाला डेल है, म्यू एंड सिग्मा, इनके बीच में हम रिलेशन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन सिग्मा सो डेल एंड दिस डेल, या इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस रिलेशन पढ़ना है। अब फ्रेंड्स डेल एफ एक्स बराबर क्या होता है, ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो होता है इस ये होता है हमारे पास एफ एक्स प्लस 1/2 एच माइनस एफ एक्स माइनस 1/2 एच, ये होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ई 1/2 एच सॉरी ई 1/2 एफ एक्स माइनस ई -1/2
एफ एक्स। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम ई कॉमन ले लें, यहाँ पे से ई माइनस वन बाई टू कॉमन ले लें या ई कॉमन ले लें, हमारे ये हमारे ऊपर है कौन सा कॉमन लेना है हमें। पर हमें डेल बनाना है, तो डेल बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, डेल बराबर क्या होता है, ई माइनस वन होता है, डेल बराबर ई माइनस वन होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ई लाना है और यहाँ पे माइनस वन लाना है। तो उसके लिए हमें ई इनवर्स कॉमन लेना, एक बार माइनस वन बाई टू कॉमन लेना होगा। एक बार माइनस वन बाई टू कॉमन ले लिया तो हो जाएगा ई एफ एक्स माइनस वन एफ एक्स, या इसको लिख सकते हैं ई माइनस वन बाई टू ई माइनस वन एफ एक्स। तो ई माइनस वन बाई टू बराबर एफ एक्स होता है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ई माइनस वन बाई टू, सॉरी डेल होता है तो डेल एफ एक्स। तो ये हो गया हमारे पास डेल एफ एक्स इक्वल टू ई माइनस वन बाई टू डेल एफ एक्स, यह हो जाएगा डेल्टा डेल्टा इक्वल टू, सॉरी डेल इक्वल टू ई माइनस वन बाई टू डेल्टा, ये हो गया हमारे पास। अब हम सेकंड जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डेल एंड नेवला। अब ये पढ़ते हैं फ्रेंड्स रिलेशन बिटवीन डेल एंड नेवला पढ़ते हैं। तो डेल एफ एक्स बराबर क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास डेल एफ एक्स बराबर जो हमने पहले इसको सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग यहीं यहाँ तक लिख लेते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं हम ई पावर वन बाई टू एफ एक्स माइनस ई पावर माइनस वन बाई टू एफ एक्स, या इसको लिख सकते हैं ई की पावर वन बाई टू माइनस ई की पावर माइनस वन बाई टू ऑफ एफ एक्स। अब फ्रेंड्स ई की पावर नेवला बराबर क्या होता है हमारे पास, नेवला बराबर होता है वन माइनस ई इनवर्स, ये नेवला बराबर होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूले। तो नेवला बराबर ये होता है हमारे पास। तो इसके लिए हमें ई इन्वर्स लाना है, तो ई इन्वर्स कॉमन लेना हो यहाँ से, हमें ई की पावर वन बाई टू कॉमन लेना होगा। तो वन माइनस ई माइनस वन वन बाई टू एफ एक्स, या ई वन माइनस ई इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, नेवला नेवला ई की पावर वन बाई टू एफ एक्स। सो फ्रेंड्स डेल इक्वल टू हो गया नेवला ई माइनस वन बाई टू, ये हो गया। हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन न्यू डेल्टा एंड ई, ये रिलेशन पढ़ना है हमें। तो उसके लिए हमें म्यू बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, म्यू बराबर होता है वन बाई टू, हम पहले ये पढ़ चुके हैं ई पर वन बाई टू प्लस ई माइनस वन बाई टू, ये होता है। तो म्यू स्क्वायर क्या, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर, और इसका स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा हमारे पास ई, क्योंकि इसका स्क्वायर किया तो वो वन हो जाएगा प्लस टू प्लस ई माइनस वन, ये हो जाएगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन बाई फोर, तो बाहर ये ई माइनस टू प्लस ई इनवर्स प्लस फोर, ये लिख सकते हैं हम। तो ये हम यहाँ पे हमने टू को ऐड किया है और टू ही माइनस किया है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमने पहले पहले जो पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, ये पढ़ा था ई माइनस वन बाई टू माइनस ई वन बाई टू, सॉरी ई वन बाई टू माइनस ई वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस टू प्लस ई इनवर्स, ये होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास वन बाई फोर, ये हो गया ई वन बाई टू माइनस ई माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस फोर। पर ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है, ये जो ऑपरेटर होता है वो हमारे पास, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है फ्रेंड्स। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या थी, यही थी अपने पास। तो हो जाएगा वन बाई फोर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, और फोर का मल्टीप्लाई किया अंदर तो प्लस वन। तो फ्रेंड्स हमारे पास आ गया एक रिलेशन, आ गया हमारे पास न्यू स्क्वायर बराबर वन बाई फोर डेल स्क्वायर प्लस वन, ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स अगर
ये म्यू है हमारे पास, म्यू में 2 का मल्टीप्लाई करें तो म्यू में 2 म्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास ई 1/2 प्लस ई माइनस 1/2, ये हो जाएगा। और डेल बराबर क्या होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये होता है ई 1/2 माइनस ई माइनस 1/2, ये होता है। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों को सम कर दें, तो ये हमारे पास कट जाएगा, ओनली क्या बच जाएगा हमारे पास, हम दे दें 2 न्यू प्लस डेल इक्वल टू ई की पावर ई 1/2 2 टाइम्स, ये बच गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास न्यू प्लस डेल 2 इक्वल टू ई 1/2, ये आ गया। ये भी हमारे पास इनके बीच में रिलेशन आ गया है फ्रेंड्स। इसी तरह अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 2 न्यू माइनस डेल इक्वल टू 2 ई माइनस 1/2, या न्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास ई न्यू बराबर, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2 डेल, ये भी एक रिलेशन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास न्यू है, म्यू एंड डेल दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास, म्यू क्या होता है 1/2 एक बार 1/2 प्लस एक बार -1/2, और डेल क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है ई की पावर 1/2 माइनस एक बार -1/2, ये होता है। हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर 1/2 एंड सॉरी ये प्लस है तो ये हो जाएगा ई, ये माइनस बी का होल, ये माइनस बी सॉरी ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई एंड ये हो जाएगा हमारे पास ई इनवर्स, ये हो जाएगा। अगर फिर से हम इसे ई इनवर्स कॉमन ले लें तो उसके लिए हमारे पास 1/2 ये ई बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। या ई को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ई कॉमन ना लेके ई इनवर्स को 1/e लिखें तो सीधा ही हो जाएगा 1/2, ये ई का ई को जो हमने कॉमन लिया है, ई इनवर्स कॉमन लिया फ्रेंड्स, ई इनवर्स सॉरी ई इनवर्स कॉमन लिया है हमने, तो ई इनवर्स को हम नीचे लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1/e, ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई प्लस 1 ई माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 1/2 ई प्लस 1 ई माइनस 1/e, ये हो जाएगा हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे पास ई माइनस 1 तो डेल हो जाएगा सिंपली, तो हो जाएगा 1/2, ये तो डेल हो जाएगा हमारे पास और ये रह जाएगा हमारे पास, इसको हम आगे लिख लेते हैं तो ये तो डेल रह जाएगा। अब ई प्लस 1/e रह गया तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस ई इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया तो ये ई इनवर्स हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स डेल के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 तो बाहर, ये डेल प्लस डेल ई इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इस पर हमारे पास फ्रेंड्स एक रिलेशन आ गया है, और रिलेशन जो है वो है हमारे पास यहाँ से न्यू डेल इक्वल टू 1/2 डेल प्लस डेल ई इनवर्स, यानी कि रिलेशन था अपने पास वो आया है, यहाँ पे लिख देते हैं वो रिलेशन न्यू डेल इक्वल टू 1/2 डेल प्लस डेल ई इनवर्स, ये रिलेशन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब फ्रेंड्स हम अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड ई, ये पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड ई पढ़ते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एंड एफ एक्स बराबर क्या होता था फ्रेंड्स, जब सिग्मा हम अप्लाई करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स प्लस 1/2 h माइनस एफ एक्स माइनस 1/2 h, ये होता था। तो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको लिखो सिग्मा कोष्टक, ये हो जाएगा e की पावर 1/2 एफ एक्स माइनस ई की पावर -1/2 एफ एक्स, ये हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक बार -1/2 मल्टीप्लाई कर लें 1/2 एफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास
और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटेड होते हैं ये हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस ई पर माइनस वन बाई माइनस वन हो जाएगा ये एफ एक्स, या इसको कह सकते हैं ई माइनस वन वन बाई टू एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा वन माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स, या फिर इसको क्या लिख, या ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास ई माइनस वन बाई टू इक्वल टू सिग्मा वन माइनस ई इनवर्स, ई इनवर्स ये हो गया, या इससे हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर ई पर माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा वन माइनस ई इनवर्स ये हो जाएगा। अगर हम ई इनवर्स की वैल्यू ई इनवर्स बराबर वन बाई ई रख लें तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स एक बार माइनस वन बाई टू वन माइनस वन अपॉन ई, एलसीएम लेके हो जाएगा हमारे पास ई का अंदर में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई के बाद वन बाई टू बच जाएगा और ये हो जाएगा ई माइनस वन ये आ जाएगा। ये फ्रेंड्स रिलेशन आ गया हमारे पास सिग्मा और ई के बीच में।